सिंधबाद की यात्रा बगदाद शहर में सिंधबाद नाम का एक व्यक्ति रहता था उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसने अनेक समुद्री यात्राएं की थी यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था लेकिन वह उसका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था उसके जीवन में यात्रा के दौरान घटित एक घटना इस प्रकार है एक बार की बात है सिंध बात अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। उसने जहाज में बहुत सा माल रखवा लिया मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते वे एक टापू पर जा पहुंचे वहां पर उन्होंने अपने जहाजों के लंगर डाल दिए सिंधबाद और उसके साथ ही टापू पर काफी देर तक घूमते रहे वहां का वातावरण सुहावना था चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे उन लोगों ने कुछ फल तोड़कर खाए इसके बाद सिंधबाद विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया थका होने के कारण जल्दी ही वह गहरी निद्रा में सो गया काफी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला है उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके थे वे अपने साथ उसका जहाज भी ले गए थे सिंध बाद बिल्कुल नहीं घबराया अब वह इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा उसने चारों ओर नजर दौड़ाई दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था उसने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा कुछ दूरी पर उसे एक सफेद रंग की गुंबद जैसी चीज दिखाई पड़ी वह पेड़ से उतरकर उस सफेद गुंबद के पास जा पहुंचा उसने उसे छूकर देखा वह बहुत चिकना था उसने उसके अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढा लेकिन उसे कोई दरवाजा नहीं मिला उस गुंबद का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन चिकना होने के कारण चढ़ नहीं सका तभी अचानक अंधेरा सा छा गया जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था वह आकाश की ओर देखने लगा उसने देखा कि एक विशाल काय पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफेद गुंबद पर जा बैठा अब सिंदबाद को समझ में आया कि यह सफेद गुंबद जैसी चीज उस पक्षी का अंडा था सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था पक्षी के बड़े से पंजे को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी और उसके एक छोर में खुद को तथा दूसरे छोर को पक्षी के पंजे में बांध लिया प्रातःकाल वह पक्षी सिंधबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ गया वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा जहां हीरों की खान थी सारी घाटी सांपों और अजगरों से भरी पड़ी थी वह पक्षी शायद सांपों और अजगरों को खाने के लिए ही वहां गया था सिंधबाद ने अपने आप को उसके पंजे से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोच में दबाया और उड़ गया सिंधबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी वह पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया एक पड़े से पत्थर से उसने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया और किसी तरह वहां रात बिताई सवेरा होने पर वह बाहर निकला सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया घाटी में चारों तरफ हीरे चवाहर बिखरे हुए थे उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए उसने देखा कि वहां मांस के टुकड़े भी बिखरे थे सिंधबाद ने सोचा शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे उसका अनुमान सही निकला इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे सिंधबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा थोड़ी देर में भयंकर आवाज करता हुआ एक विशाल काय पक्षी आया और सिंधबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का ही इंतजार कर रहे थे व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया वे व्यापारी दौड़कर मांस के के टुकड़े के पास आए, तो वहां उन्होंने सिंधबाद को देखा सिंधबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई व्यापारियों ने सिंधबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए